Shmita, most welcome. In fact, welcome back with me on Physicam Academy. And आज हम आपसे बात करेंगे TFR के बारे में. तो पहले आप अपनी जर्नी बताइए TFR की, फिर हम डिस्कशन करते हैं आगे. TFR means Tata Institute of Fundamental Research. एक मिनट, स्टार्ट ही नहीं हुआ. एक मिनट, स्टार्ट ही नहीं हुआ. वही मैं चेक कर रही थी. नहीं नहीं हो गया. फाइन, कंटिन्यू. ओके, सो TIFR इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. ये होमी जहांगीर भाभा के आइडिया में बिल्डअप हुआ है एंड इसको फंडिंग दिए थे JRD टाटा. सो ये काफ़ी ओल्ड इंस्टीट्यूट से फॉर रिसर्च. लाइक पहले तो IITs NITs में रिसर्च नहीं होते थे, तो तब में वहाँ मतलब ISC एंड ये TIFR ये दोनों बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट थे एंड अभी भी है. एंड TIFR अभी इंडिया में टोटल सिक्स सिटीज में है, तो उसमें से TIFR मुंबई एंड TIFR हैदराबाद में केमिस्ट्री का रिसर्च चलता है. सो दैट्स व्हाई आई गेव TIFR एग्ज़ाम एट दिसंबर 2022 एंड देन आई क्वालिफाइड TIFR GS 2023 एग्ज़ाम. ओके, सो मेल आया मुझे फेब्रुअरी 14, 2023 को, दैट TIFR हैदराबाद से मेल आया दैट यू हैव सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू. एंड आफ्टर वन डे आई ऑल्सो गॉट ईमेल फ्रॉम TIFR मुंबई टू सिलेक्ट इन इंटरव्यू. सो मैंने इंटरव्यू देने के लिए कही TIFR हैदराबाद, मुंबई नहीं जा पाए अनफॉर्चुनेटली. तो TIFR हैदराबाद का एनवायरनमेंट मतलब बहुत ही अच्छा है एंड वहाँ का लैब मतलब बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड है एंड काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है. लाइक मुझे एक इंडस्ट्री के जैसा लग रहा था जब मैं वो उसका लैब देखी. अच्छा, हाँ, तो ये है. एंड TIFR के एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूँ तो टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. ओके, सो कट ऑफ नियरली 50-60 के बीच में लाई करता है. अगर 50-60 के बीच में आपका कट ऑफ आ जाता है तो यू आर सिलेक्टेड इन TIFR हैदराबाद एंड 60-70 कट ऑफ होता है मेनली TIFR मुंबई का. ओके, सो हाँ, जब मैं TIFR हैदराबाद इंटरव्यू देने गई दैट टाइम आई चोज माई टॉपिक इंटरव्यू टॉपिक एज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, सो हाँ, सो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट है. उन्होंने पूछा अपना इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद कौन से टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो. सो आई टोल्ड आई एम इंटरेस्टेड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. देन दे आस्क्ड मी सम बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चंस, जैसे हमारे यूनिट कन्वर्जन हो गए कुछ प्रॉब्लम्स एंड देन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बारे में भी पूछते हैं, क्योंकि आज मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक चूज किया था तो वही सब पूछते हैं थे. एंड देन दे जम्प्ड इनटू NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, लाइक what do you mean by spectroscopy, what NMR spectroscopy is used, why NMR spectroscopy is useful, and specifically applications ke bare mein poochte hain, jaise solid state NMR kya hota hai. Wo sab basic cheeze ho gayi. Uske baad unhone pucha what about chemical shift, ethanol ke spectrum draw karne ke liye bole x axis mein y axis mein kya rehta hai, wo sab pucha. And spin coupling kya hota hai, splitting signal ka स्प्लिटिंग क्यों होता है उसके बारे में पूछा एंड फॉस्फिन NMR के बारे में भी पूछा. ओके, वही सब पूछे. सो इंटरव्यू मेरा 45-50 मिनट्स तक चला. ओके, 45-50. तो पैनल में काफी सारे प्रोफेसर बैठे थे या फिर लाइक फ्यू ऑफ देम? फाइव प्रोफेसर्स बैठे थे. ओके, सो मैं आपने वैसे मेरे जितने भी क्वेश्चन थे आपने खुद ही फ्लो में आके बता दिए मुझे आंसर. सो आई एम वेरी हैप्पी कि चलो मेरा थोड़ा एनर्जी कम हो गया बिकॉज आई एम सेल्फ टेकिंग क्लास फ्रॉम 11 AM एंड अभी मैं सीधे क्लास के बाद तुमसे इंटरव्यू दे रही हूँ. सो आई थॉट चलो लेट थोड़ा रिलैक्स हो गया. सो पर फिर भी मेरे पास अभी और भी क्वेश्चन हैं. सो मैं ये पूछना चाह रही थी आपको, ठीक है आपने TIFR के बारे में अच्छे से बता दिया, सारे बच्चे हमारे पता चल गया होगा उनको TIFR क्या होता है और आपको आपने उनको एग्ज़ाम का पैटर्न भी बता दिया कि 40 क्वेश्चंस आते हैं और इतना वेटेज रहता है. आप ये बताएंगे कि जो आपने एग्ज़ाम फेस किया था उसमें ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस कहाँ से आए, जैसे अलग अलग हमारे टॉपिक्स हैं, हमने CSIR नेट गेट के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, तो TIFR में उनमें से कौन से टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा हैवी थे जिनसे क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट दिखाई दिए? ओके,
सो बेसिकली टीआईएफआर में फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री उसका वेटेज ज्यादा रहता है रिसर्च में. सो दे मोस्टली स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस पूछते हैं एंड मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस कई सारे आते हैं. लाइक 8 to 10 क्वेश्चंस आई थिंक मैथमेटिक्स से होते हैं. ओके, मतलब मैथ्स बीएससी लेवल तक का या एमएससी लेवल तक के क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों को फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा इफ दे वांट टू गो फॉर टीएफआर. नो नो, बीएससी लेवल. ओके, बीएससी लेवल, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे. नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं. ओके, एंड लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में से कौन से स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे आपने स्पेक्ट्रो बताया तो हम मान रहे हैं कि एनएमआर, आईआर, यूवी, ईएसआर, मोसबार, मास, ये हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक्स हो गए जिनसे क्वेश्चंस आए. इसके अलावा और क्या, और किन टॉपिक्स पे बच्चों को फोकस करना चाहिए टू गेट थ्रू टीआईएफआर रिटन एटलीस्ट? ओके, ऑर्गेनिक के बात करूं तो रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चंस आते हैं एंड बायोमोलिक्यूल्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है. एंड देन इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उन तीनों का क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं. एंड लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स के क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं टीआई फॉर्म में. ओके, एंड फिजिकल में बेसिकली क्वांटम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्वांटम, थर्मोडायनेमिक्स, वो सब चैप्टर्स. ओके, सो आपने पूरा, तो आपने प्रिपेयर कैसे किया, मतलब आप तो सी एस आई जे आर एफ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, यू गॉट वेरी गुड रैंक 74 दिस ईयर, राइट? 75 जे आर एफ, यस, कंग्रेचुलेशन फॉर दैट. एंड लाइक टी एफ आर के लिए आपने प्रिपेयर कैसे किया, मतलब आपको पहले से ही आपने फिल किया फॉर्म या फिर आप उसके लिए इंडिविजुअल प्रिपेयर कर रहे थे? एंड वॉट वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू स्टूडेंट्स, दोज हू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी एस आई आर, नेट एंड गेट, हाउ दे शुड प्रिपेयर इंडिविजुअली फॉर टी एफ आर एज वेल? सब में सिलेबस तो सेम ही रहता है, चाहे आप नेट की बात कर लो या गेट की या फिर टीआईएफआर की, बस क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट? और जैसे कि सीएसआर नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ से हम चूज करके क्वेश्चन के आंसर करते हैं, लेकिन गेट में कंपलसरी होता है और टीआईएफआर में भी कंपलसरी होता है. लेकिन टीआईएफआर में क्या होता है, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलता है एक करेक्ट आंसर के लिए, एंड नेगेटिव रॉन्ग आंसर के लिए -1 हो जाता है. तो वहाँ क्या होता है ना, मार्क थोड़ा घट जाते हैं. सो मेरे हिसाब से बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि वो कुछ नेगेटिव अटेम्प्ट ना कर ले, जितना आता है उतना करना चाहिए. एंड बात करूँ प्रिपरेशन की, सिलेबस तो सेम ही है, बस एक्स्ट्रा मैथ्स थोड़ा रिवाइज करना है, मैथ्स सॉल्व करना है. जैसे कि मैं बोली टीआईएफआर में 8 to 10 मैथ्स क्वेश्चन आते हैं, तो सीएसआर नेट एंड गेट में इतना नहीं आते हैं, लेकिन टीआईएफआर में आते हैं, तो मैथ्स को भी प्रिपेयर करना होगा. एंड मैं जो बोली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसका वेटेज ज़्यादा है इन टीआईएफआर, सो उस टॉपिक्स को ज़्यादा कवर अप करना चाहिए. एंड वन गुड थिंग इज टीआईएफआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीट भी हो जाते हैं. लाइक मैंने जब एग्ज़ाम दिया था उस टाइम 3 to 4 क्वेश्चन टीआईएफआर के पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ था विद द सेम ऑप्शन. ओके, हाँ, तो क्वालिफाई करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व किया है. सो आपने मुझे टीएफआर का वेटेज बताया था, पैटर्न क्या रहता है, मतलब सारे क्वेश्चन जो है एक ही नंबर के आते हैं या क्या पैटर्न रहता है? जैसे कोई बच्चे को पता ही नहीं टीएफआर के बारे में, उसने कभी पीवाईक्यूज देखे ही नहीं उसके, तो कैसा रहता है, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन है? ओके, टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं इन टीएफआर क्वेश्चन पेपर. So you have to attempt all 40 questions. सारे के क्वेश्चन कंपलसरी है एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 3 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर योर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड. एंड दैट इज द पैटर्न. ओके, फाइन. सो एनी लाइक सजेशन टू स्टूडेंट्स, देखो अभी हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो सी एस आई आर नेट और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो इन बिटवीन वो डेफिनेटली टी एफ आर का भी एग्जाम को देंगे, CUET या इन बिटवीन सेट जो भी एग्जाम इन बिटवीन पढ़ते हैं तो वो भी देना, कोई मतलब गलत बात नहीं है, इनफैक्ट देना चाहिए, सो दैट वो सभी, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है ना. सो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर TIFR एस्पिरेंट्स, लाइक जो एस्पिरेंट TIFR के नहीं है वो CSIR नेट या गेट के एस्पिरेंट्स है बट दे वॉन्ट टू गो फॉर TIFR एज वेल, बिकॉज एज यू नो सिलेक्शन काफ़ी लिमिटेड है, सो व्हाट डू यू सजेस्ट हाउ दे शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली? सो
along with their CSIR NET and GATE journey. Okay. अगर कोई बच्चा CSIR NET GATE के लिए preparation कर रहा है तो TIFR के लिए भी automatically prepare हो जाएगा क्योंकि concepts तो same ही रहता है सारी जगह. तो question practice is must and along with practice for written exam, they should also practice about interview. Like interviews में interviews के लिए standard books पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि वहाँ से ही questions पूछते हैं and बेसिक से एडवांस तक अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके जाना है जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे. तो कई बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ रिटन एग्जाम के लिए पढ़ते हैं और इंटरव्यू के लिए नहीं पढ़ते हैं. एंड मैं भी वैसा ही करती थी. लाइक मुझे उस टाइम इतना पता नहीं था, लाइक इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता था कि बुक्स पढ़ना. तो मैं सजेस्ट करूँगी यू शुड रीड बुक्स अलॉन्ग विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो आपका जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था उसमें आपने बताया कि आपका क्वालिफाई नहीं हुआ इन इंटरव्यू. सो उसका क्या कारण है, मतलब आपने कहाँ पे लैक किया, क्या आपका वो चीज़ आप नहीं हो पाया, क्या मतलब आपको मिला इंटीमेशन वहाँ से कि दिस इज़ वाई यू हैव नॉट क्रैक्ड और समथिंग, व्हाट वाज इट?